दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर के जो भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि आज के प्रश्न जो करंट अफेयर के बन रहे हैं, उनको लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगस्त के करंट अफेयर की ई बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उस बुक को ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कितने राज्यों को 15 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों, 11 राज्यों को जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जिस महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये बनाया है हरमनप्रीत कौर ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए जिस पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये पोर्टल है प्रकाश। याद रखिएगा, प्रकाश एक ऐसा पोर्टल है जिसमें ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के जिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो दोस्तों, टोक्यो में जो ओलंपिक होगा उसके लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है अविनाश साबले ने। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे निकल के आता है, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से जितने विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों, 200 विकेट अभी हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की श्रृंखला चल रही है उसमें 200 विकेट पूरे किए हैं रविंद्र जडेजा ने, और जो है 1600 से अधिक रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे जहरीला कवक पॉइजन फायर कोरल जिस देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है विश्व का सबसे जहरीला कवक फायर कोरल, इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा के जिस पार्क में एलिफेंट एंडोथिलियोट्रॉपिक हर्पीस वायरस के कारण 5 हाथियों की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पर 5 हाथियों की मृत्यु हुई है एलिफेंट एंडोथिलियोट्रॉपिक हर्पीस वायरस के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों की स्थिति को अंतिम रूप देने हेतु गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों की स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी है। अगला प्रश्न दोस्तों निकल के आता है, यहाँ पे भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण जिस राज्य के बागलोह में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो है बागलोह में आयोजित किया जा रहा है नोमैडिक एलिफेंट। याद रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, किस देश ने हाल ही में चीन के बाद अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? ये लॉन्च की है अमेरिका ने। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर खिलाड़ी को प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था? दोस्तों, ये चुने गए हैं बेन स्टोक, जो कि ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के। अगला प्रश्न, 4 अक्टूबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बन के आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के साबरमती में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों, अहमदाबाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वच्छ भारत दिवस के कार्यक्रम में जो है भारत को खुले से शौच में मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न,
बाजार पूंजीकरण के हिसाब से हाल ही में कौन सा बैंक टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल घरेलू कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गया? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो है वो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल घरेलू कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गया है। अब दोस्तों आज का प्रश्न है, यूएस ओपन 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए राफेल नडाल, बी जोकोविक, सी मेदवदेव या डी रोजर फेडरर। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल मैं इस जैसे कि मैं हर रोज़ बताता हूँ अपने आने वाले अगले वीडियो में जो है इसका उत्तर मैं आपको बताऊँगा। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, यूएस ओपन 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? राफेल नडाल, जोकोविक, मेदवदेव, फेडरर। अब बारी है कल के उत्तर की। दोस्तों कल का उत्तर है, कल मैंने पूछा था कि गांधी जयंती के अवसर पर तंबाकू और पान मसाला किस राज्य ने प्रतिबंधित किया था? दोस्तों राजस्थान सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर तंबाकू और पान मसाला पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान। जिसने भी आंसर दिए हैं सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में। जो प्रश्न मैंने आज आपसे पूछा है उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ ही साथ अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं अगस्त के करंट अफेयर की, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर डाल करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं अपने पीडीएफ और साथ ही साथ नए वीडियो के नोटिफिकेशन शेयर करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।